बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि फैसलाबाद में इस वक्त चैंपियंस वनडे कप खेला जा रहा है और साथ साथ आज पाकिस्तान को सेमीफाइनल में एशियन हॉकी चैंपियनशिप में चाइना के हाथों पेनल्टी शूट आउट में शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान की वुमेंस टीम को मुल्तान में खेले जाने वाले पहले मैच में साउथ अफ्रीकन वुमेंस टीम के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन तीनों खबरों में जो आखिरी खबर थी इसमें कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ऐसा ही होता है कि बल्द दो बांग दावे किए जाते हैं और जब मैच होता है तो नतीजा फिर वही टाएं टाएं फिश नजर आता है। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के मामलों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जबरदस्त सहाफी, जबरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कम वक्त में ना सिर्फ शोहरत हासिल की है बल्कि मकबूलियत भी हासिल की है और जो सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन थी इसके सदर भी रहे। बहुत ही फाल सहाफी हैं, बहुत ही फाल एनालिस्ट हैं, हमारे बहुत ही करीबी, बहुत ही अजीज दोस्त आसिफ खान साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। इससे पहले कि आसिफ भाई के साथ आगाज करें गुफ्तगू का, और एक और जबरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे कि जिनका न सिर्फ शोबिज़ से बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है बल्कि स्पोर्ट्स और बिलखसूस हॉकी पर उनकी बड़ी गहरी निगाह, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। मेजबान चीन की सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त। चीन ने पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने जनूबी कोरिया को 4-1 से शिकस्त दे दी। इवेंट का फाइनल कल भारत और चीन के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया की टीमें तीसरी पोजिशन के लिए मद्दे मुकाबले आएंगी। हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं था क्योंकि गजनफर के वालिद का इंतकाल पूरी टीम पर असर पड़ा। शूटआउट पर हम बदकिस्मत रहे और ये ऐसा एरिया है जहां हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। हेड कोच ताहिर जमान। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी तो परफॉर्म किया। बाबर आजम भी कप्तानी से निकलकर पाकिस्तान और टीम के लिए खेले। यूनुस खान। अगर आप इस वक्त मोहम्मद रिजवान को कप्तान नहीं बनाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसान का बाइस बनेगा। बासित अली। सियासी मसाइल को क्रिकेट में रुकावट नहीं बनना चाहिए। तेंदुलकर, गंगोली भारतीय बोर्ड को समझाएं, वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजे। साबिक कप्तान मोइन खान। चैंपियंस वनडे कप के पांचवें मैच में पैंथर्स ने लॉयंस को 84 रन से मात दे दी। बतौर प्लेयर मैं अपनी कारकर्दगी से कभी भी मुतमईन होकर नहीं बैठता। कोशिश होगी कि यहाँ अच्छा परफॉर्म करके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम में कमबैक कर सकूँ। फहीम अशरफ। पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। साफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 भूटान के लिए कौमी टीम दुबई पहुंच गई। पाकिस्तान टीम कल दुबई से भूटान के लिए उड़ान भरेगी। कौमी टीम अपनी मुहिम का आगाज नेपाल के खिलाफ 21 सितंबर को करेगी। और लाहौर में रिवायती खेल कबड्डी का मैच वापडा और पंजाब पुलिस के दाव पेज। सनसनीखेज मुकाबले के बाद वापडा के खिलाड़ियों को शिकस्त। जी नाज़रीन, इतनी अच्छी टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरीज में जिस तरह हमने आगाज़ में कहा कि हमारे साथ आसिफ खान साहब स्टूडियो में मौजूद होंगे और शोबिज़ की दुनिया के एक बड़े ज़बरदस्त स्टार और बड़े ज़बरदस्त हर दिल अजीज़ एंकर हमारे साथ मौजूद होंगे जिनकी स्पोर्ट्स और बिल्कुल हॉकी के हवाले से बड़ी गहरी निगाह। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान का एक मारूफ नाम और एक ऐसा नाम कि जिन्होंने जो है वो एंकरिंग को जो है वो एक नई जहत अता की है क्योंकि रोड शोज़ जो इन्होंने बड़ी तवातुर के साथ किए हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं इनको ऑन एयर लूँ, उनसे गुफ्तगू आगाज़ करूँ, आसिफ भाई से हॉकी पे बात कर लेते हैं। आसिफ भाई, जो आज हुआ है हॉकी में, पाकिस्तान के खिलाफ चाइना ने पहले बढ़तरी हासिल की, फिर नदीम अहमद ने गोल बराबर किया, फिर पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका लेकिन गोलकीपर ने हमारे फिर भी रेजिस्टेंस को शो किया, ओवरऑल किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, पाकिस्तान जैसे कोच ने कहा ताहिर जमान साहब ने कि पेनल्टी शूट आउट एक ऐसा एरिया है जिसमें पाकिस्तान की टीम ने शायद इतना काम नहीं किया उनके ख्याल में, और ये दुरुस्त बात है। इससे पहले भी पाकिस्तान टीम पेनल्टी शूट आउट के जरिए बाहर हो चुकी है, मुकाबलों से हार चुकी है। चाइना से हारना इस लिहाज से भी मुझे मतलब थोड़ा सा मायूस कौन है क्योंकि चाइना की टीम रैंकिंग में पाकिस्तान से काफ़ी नीचे है। 23वें रैंक की टीम है इस वक्त चाइना की और पाकिस्तान का है 16वां रैंक। तो पाकिस्तान ने और चाइना को इसी टूर्नामेंट में हराया भी था, बड़े अच्छे मार्जिन से हराया था। पाकिस्तान फील्ड गोल्स के मामले में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पासिंग, बहुत अच्छे मनूवर इन्होंने किया, बहुत अच्छी मूव बनाया। माद बट हो या हनान शाहिद हो, बड़ा अच्छा खेले दोनों। लेकिन इस मुकाबले में थोड़ा सा, एक तो हमारे एक प्लेयर के साथ भी गजनफर के वाले साहब के लिए भी हम दुआगो हैं, उनको जबारे रहमत में जगह दे अल्लाह, ये भी हुआ। लेकिन इससे बड़ा
तो एक वाकया हो चुका है जब पाकिस्तान 94 में वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त जो आज के कोच हैं ताहिर जमान, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और वो पहले मैच से पहले हुआ था और उन्होंने फिर पूरा मैच पूरा टूर्नामेंट खेला। वो ना सिर्फ पाकिस्तान को फतह दिलाने में कामयाब हुए बल्कि वो टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी भी बने थे। तो ताहिर जमान के लिए भी ये एक अलार्मिंग साइन है कि आज चाइना से पाकिस्तान हार गया, लेकिन खैर मुकाबला अच्छा किया, मुकाबला अच्छा रहा। और सलमान साकिब बानी ने हमें ज्वाइन किया जिनकी हॉकी के वाले से बड़ी गहरी निगाह है और ये पाकिस्तान के वो शोबिज़ स्टार हैं कि जो हॉकी के मुकाबले देखने के लिए बैरून मुल्क भी जाते हैं और ग्राउंड में बैठ के एनालाइज करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की हॉकी टीम परफॉर्म कर रही है, हॉकी का बहुत दर्द रखते हैं और जब पाकिस्तान की हॉकी टीम मैच खेलती है तो इनका फ़ोन मेरे पास लाजमी आता है। हमने सोचा शो में मधु करें सलमान को, मानी सलमान साकिब मानी को, और इनसे जाने पाकिस्तान हॉकी के मामला। अस्सलाम वालेकुम मानी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अली, क्या हाल है? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे तो सब सेट है लेकिन हॉकी में सब सेट नहीं है। नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? ये कोई मतलब हॉकी साइंस है, पहले तो ये समझ लेनी चाहिए हम सबको कि साइंस जो है ना वो एक दिन में तो आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते ना, उसको प्रॉपरली पढ़ने के लिए भी, यानी कि अगर अभी ये 4-5 दिन पहले कोच ने ज्वाइन किया है और ये वर्ल्ड में पाकिस्तानी अगर कोई क्वालिफाइड कोच है ना उसमें इसका बहुत बड़ा नाम है। ये जो ताहिर जमान है इनका बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि बाहर की, मैं अभी हॉकी 5 वर्ल्ड कप देखने के लिए गया था तो मैंने देख लिया था वहाँ पे कितनी इज्जत थी, कितना मनसबा था इनका, क्या नाम है, इन्होंने मिस्र जैसी टीम ने इंडिया को हराया था वहाँ पे 7-2 से, मेरे सामने हम लोग भी देख रहे थे वो मैच। तो प्रॉपर जो है प्लानिंग के साथ गए थे। देखें चाइना ने भी आज प्लान किया हुआ था, वो डीप डिफेंस में गए, मैन टू मैन खेले, बिल्कुल पैक किया हुआ था उन्होंने, बड़ा मुश्किल से पाकिस्तान ने गोल निकाला है और पीसी में हम कमजोर थे। अबू बकर के घुटना जो है वो लग रहे ठीक हो जल्दी, लेकिन मुझे लगता है कि 2 महीने से पहले तो बहुत मुमकिन नहीं है। वो गया अबू बकर, आउट हुआ। फिर ये है कि हमारे पास बैकअप पेनल्टी कॉर्नर लेने वाला था नहीं हमारे पास, अगर सुफियान फर्ज करें अगर नहीं मार पाता तो मेरे ख्याल में अरबाज को होना चाहिए था, अरबाज को उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया इस दफा, और पता नहीं अरबाज से भी पूछ ले पहले कि अरबाज भी खेलना चाहता नहीं चाहता बेसिकली पाकिस्तान के लिए। तो बहुत सारे मसले मसाइल थे। फिर इन्होंने 3 लड़कों को बैन किया जो पोलैंड में हॉकी खेल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हो गए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। पाकिस्तान पहले बहुत सॉफ्ट गोल खाता था, सॉफ्ट गोल नहीं होते, इंडिया से 10-2 से हारा था पाकिस्तान एशियन गेम्स में, अभी यह साल पहले की बात है। तो अब इंडिया के हलक में मैच आ गया था पूरा, 2-1 से इंडिया ये मैच बड़ी मुश्किल से जीता, वो भी राणा को एक बड़ा हार्श किस्म का कार्ड मिला था। मैं पूल मैच की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज का मैच इनको देखिए शूट आउट पे ये लोग अच्छे नहीं थे। ये लोग हॉकी 5 जो एशिया कप हुआ था उसमें भी शूट आउट पे बाहर हुए थे, फिर ये अजलान शाह में भी शूट आउट पे बाहर हुए थे, और अभी ये इस दफा भी ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक भी शूट आउट जो है अंदर नहीं जा पाई हमारी, तो ये लम्हा फिक्रिया ये वाली बात है। बाकी लड़कों ने अच्छा खेला, बुरा नहीं खेला। अच्छा मानिए बताइएगा कि क्या हमारे जो गोलकीपर जिसने बड़ी उम्दा सेव भी की है उसने कोशिश की पाकिस्तान को मैच में वापस लेकर आने की, गोलकीपर के इस रोल के हवाले से क्या कहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने तौर पर बड़ी कोशिश की? देखिए मुनीब जो है ना, मुनीब नॉर्मली पाकिस्तान का रेगुलर नहीं खेलता, अब्दुल्ला खेल रहा होता है, मुनीब जो है वो सेकंड गोलकीपर है, लेकिन कभी कभी होता ये है कि कोच को भी नजर आ जाता है, क्या नाम है, कि कौन ज्यादा एजाइल है, क्योंकि शूट आउट जो होती है ना उसमें लड़के को बहुत तेज होना चाहिए। अब्दुल्ला भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो मुनीब है ना ये चलाक लड़का है, ऐसे गोलकीपर की जरूरत है जिसका दिमाग ज्यादा चल रहा हो, तेज चल रहा हो बेसिकली। तो मुनीब वो था, पूरा मैच भी नहीं खेला था, उससे कोई प्रेशर भी नहीं था, उसने पेनल्टी शूट आउट रोकी भी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को यही दो, अकमल तो छोड़ गया है पाकिस्तान, अकमल तो ऑस्ट्रेलिया चला गया बेसिकली, तो अकमल तीसरा अच्छा गोलकीपर था, एक लड़का और है जो जूनियर का है, एक चौथा लड़का है। तो हालात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। पिछले पाकिस्तान एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से तो पाकिस्तान 5वीं 6वीं खेल रहा था, मुझे याद है पिछली दफा तो 5वीं 6वीं का खेला था पाकिस्तान ने मैच, इस दफा पाकिस्तान ने चले ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हारे हैं, बताऊं लड़के दुखी हो गए होंगे शदीद, ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइना से ये हार जाएंगे, मैं सॉरी इस तरह हारेंगे शूट आउट पे जाके। लेकिन ये कि इनको सही करना चाहिए, ताहिर जमान को मैं इसके ब्लेम नहीं करता, क्योंकि ताहिर जमान को अभी 5 ही दिन हो गए हुए, अभी तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया बिल्कुल, और अभी क्या नाम है ताहिर जमान की लेकिन बहुत जरूरत है ना, 1-1.5 साल अगर खड़े रहेंगे तो बहुत सारे 5-8 लड़के अभी बाहर हैं और जो लीग्स खेल रहे हैं वो भी आ जाएंगे, तो टीम अच्छी बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है, काफी सारे लड़के हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हॉलैंड में लीग खेल रहे हैं। आपका ख्याल है कि ताहिर जमान को वापस टीम में इंडक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे? ताहिर जमान से अच्छा कोच ही नहीं है, एक अदनान जाकिर है पीछे, सलमान अकबर है बेसिकली, वसीम अहमद है जो पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर है लेफ्ट हाफ, यही 5-6 लड़के हैं जो कि क्वालिफाइड है, जिनको के FIH भी मानती है,
बाकी आप यहाँ से खड़ा कर दें और 3 महीने कैंप लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हॉकी अब वो वाली बात नहीं रही। आप बल्कि मैं अगर फेडरेशन में होता तो मैं सब लोगों को बोलता जाके बाहर खेलो, जितना खेल सकते हो, यूरोप में खेलो, मलेशिया में खेलो, इधर तो खेलो, ताकि एक्सपोजर आ जाए। जब आपके पास एक्सपोजर होता है ना, तो आप देख लें अमाद बट कितना एक्सपोजर के साथ खेल रहा था, तो कितना इजीली वो ले रहा था, चाहे वो इंडिया का मैच हो, चाइना का मैच हो, या कोरिया का मैच हो, अमाद बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट कितना आसानी से वो फॉरवर्ड्स को ले रहा था। हालांकि इंडिया की टीम वर्ल्ड नंबर 3-4 है इस वक्त, तो वो सर्कल पेनिट्रेशन उनकी निल थी बकायदा। वो तो शूट आउट पेनल्टी कॉर्नर्स पर उन्होंने गोल किए हैं, जो कि हमारे कमजोर था, हम लोग रोक नहीं सके। लेकिन ये कि एस एच को इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन ये वाला जो हुआ ना, ये दिल टूट गया मेरा भी और आप सबका भी, हमारा भी, क्योंकि मेरा ये था कि यार फाइनल लो इंडिया से। क्योंकि देखिए फाइनल इंडिया पाकिस्तान का होता है ना, तो क्राउड होती है, क्राउड देखती है। अभी भी पाकिस्तान में हॉकी को बहुत से लोग पसंद करते हैं, बेशुमार बड़ा हल्का है जो हॉकी देख रहा है, पसंद कर रहा है, एक चैनल दिखा भी रहा है। तो ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग ब्रेक था, क्या नाम है, पाकिस्तान के। लेकिन मानिए जिस तरह आप जैसे स्टार्स की सपोर्ट अगर हॉकी को हासिल हो, तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान की हॉकी जो है वो दोबारा से फ्लरिश कर सके, अगर इसी तरह से खेलते रहे, आप जैसे स्टार्स सपोर्ट करते रहे। आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आसिफ भाई, आप कुछ बात करना चाहें? भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि हॉकी फेडरेशन में जो इस वक्त बंटवारा है मानी साहब, वो भी किसी हद तक लड़कों को परेशान कर रहा है ना। हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी एक अलग हैं, एक सेक्रेटरी साहब जिनको हुकूमत पाकिस्तान मानती है, ये सूरत हाल किस तरह से, कितनी परेशान कौन है पाकिस्तान हॉकी के लिए? एक ही तरीके से सही होता है, जब ओल्ड ओलंपियंस ये काम छोड़ देंगे ना, जब वो कहेंगे यार हमारा ताल्लुक नहीं है, हम सब सपोर्ट करेंगे। और कुछ टेक्निकल लोग हैं, देखिए गोरे को आना बहुत जरूरी है, गोरे की जगह अगर ताहिर जमान भी आ गए तो वो भी बाहर ही होते हैं पाकिस्तान से, वो बाहर ही कोच कर रहे होते हैं और वो प्रॉपर एस्टेब्लिश कोच हैं बेसिकली, इससे अच्छा कोच नहीं मिल सकता आपको। सेकंड चीज ये थी कि हॉकी फेडरेशन के जो मसले हैं वो तो चलते रहेंगे, वो तो जब ओलंपियन एक्स ओलंपियन जो है, मुझे तो लगता है क्या नाम है कि वो जो ग्लोरी उनके पास आई है ना, वो चाहते हैं कोई कभी आए ना इसके बाद से। ये क्रिकेट में भी हमारा हाल है, यही हॉकी में हाल हुआ है। तो कोई ऐसे लोग आए, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग आए, कुछ ऐसे एजुकेटेड लोग आए जो कि हॉकी को भी क्या नाम है प्रॉफिटेबल बनाए, हॉकी में भी क्या नाम है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए। देखिए 2-2 साल से लड़कों के पैसे नहीं दिए हुए यार, डेलियां जो है इनकी डेली नहीं दी हुई। आपके ख्याल में क्यों एहतिशाम चला गया? इतना बेहतरीन प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान का, अभी जूनियर एशिया कप होगा, एहतिशाम, मुर्तजा और ये रहमान की जरूरत तो आपको पड़ी जाएगी ना दोबारा, क्योंकि आपके बेस्ट प्लेयर हैं। आपने उनको बैन कर दिया क्योंकि वो वहां चले गए, उन्होंने अजैलम नहीं लिया, मेरी उनसे रोजाना बात होती है, वो बेचारे वहाँ खेल रहे हैं, लीग खेलने वो लोग, और यहाँ पे अजैलम का शोर मचा दिया। अच्छा थोड़ा सा क्रिकेट पे मानी बात कर लेते हैं, क्रिकेट पे भी आपकी बड़ी गहरी निगाह है, क्रिकेट पे बताएं जरा ये बाबर आजम को, एक तो कि एज ए कप्तान लाने से आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम में मसाइल पैदा हुए हैं, या आपको लगता है कि और कोई ऐसे मसले इसके ऐसे जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है? नहीं देखिए पाकिस्तान, मैं एक बात इधर उधर इंस्टाग्राम पे लिख रहा हूँ, मैंने कहा मार्क माय वर्ड, ये हो जाएगा क्योंकि अगले ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट भी है, याद रखिएगा, और लिमिटेड टीमें होंगी, 8-8 टीमें आएंगी, क्रिकेट के साथ इतना बड़ा कुंभ आता है ओलंपिक में, इतना कुंभ अलाउ नहीं होता ना, इतने बड़े बड़े 25-25 लोगों का क्या नाम जा रहा हो बेसिकली। तो ये हो सकता है कि 8 टीमें ही क्वालिफाई करें ओलंपिक के लिए और 8 टीमों को टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान रह जाए, बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट्स भी कम होते जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है नीचे भी आता जा रहा है। मैं T20 की बात भी कर रहा हूँ, वनडे को तो छोड़ दें, क्या नाम है टेस्ट मैच को तो छोड़ दें, वहां तो नीचे आ ही गए हैं, लेकिन मैं T20 की बात कर रहा हूँ कि ऐसा होगा, ये हॉलैंड वॉलैंड टाइप की टीमें, ये क्या नाम है अमरीका टाइप की टीमें, ये चली जाएंगी, अमरीका तो वैसे ही क्वालिफाई कर गया। अच्छा लास्ट मेरा क्वेश्चन है, ये एफ्रो एशिया कप एक जमाने में होता था, अब दोबारा ये बात हो रही है कि जय शंकर के बाद एफ्रो एशिया कप जो है वो दोबारा से खेला जा सकता है, कैसा लगेगा जब विराट और बाबर आजम एक ही टीम में खेल रहे होंगे, एशिया की को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? लेकिन बहुत बड़ी बात होती है, देखिए इससे होता ये था कि जब हम ये पहले देखते थे ना, जब वसीम अकरम और सामने से क्या नाम है सचिन तेंदुलकर एक ही टीम में खेल रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, क्राउड पुल करते हैं, और ये जो लड़के हैं ये पाकिस्तान के बेस्ट लड़के हैं बेसिकली, इस वक्त जो खेल रहे हैं जो भी हैं यही लड़के हैं, और अभी अगर पाकिस्तान के हालात इंडिया से अच्छे होते तो आईपीएल भी खेल रहे होते, ठीक है, और आईपीएल में बहुत पैसे बना रहे होते ये लोग, ऐसी वजह फिर इनको छोटी मोटी लीग में चैंपियंस ट्रॉफी में आ रही है इंडिया की टीम पाकिस्तान? आई डाउट नहीं आएगी इंडिया की टीम, क्योंकि इंडिया की बदमाशी इसलिए है क्योंकि इंडिया पैसे खर्च कर रहा है भाई, इंडिया के सारा देखिए हॉकी में भी इंडिया के पैसे लगे हुए हैं, हीरो इंडिया, ठीक है ना,
क्रिकेट में भी इंडिया के पैसे लगे हुए हैं, तो पाकिस्तान का पैसा कहाँ है, पाकिस्तान का एडवर्टाइजर कहाँ है, पाकिस्तान का नोट किधर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना, जिसका नोट लगेगा उसकी बदमाशी होगी, सीधी सी बात है। तो इंडिया हो सकता है दुबई शुबई में मैच खेल ले एक हाथ पाकिस्तान से जो होगा। थैंक यू सो मच मानी, हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट और हॉकी दोनों पे बात की है, और आपने देखा कि हमारे जो शोबिज स्टार हैं इनको कितनी ज्यादा जो है स्पोर्ट्स के हवाले से और कितना बर्मिला जो है वो उन्होंने अपनी गुफ्तगू का से इजहार भी किया। इस बाद हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करेंगे, विमेंस टीम को भी शिकस्त तो गई और साथ साथ फैसलाबाद में खेला जाने वाला एक फजूल टूर्नामेंट उसको भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हम हॉकी को डिस्कस करते हैं, जहां पाकिस्तान को आज चाइना के सामने सेमीफाइनल में पेनल्टी शूटआउट पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। बात करेंगे मुल्तान में खेले जाने वाले विमेंस सीरीज के हवाले से, जहां पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की खवातीन टीमों के दरमियान सीरीज का पहला टी20 मैच खेला गया, जहां पे 132 रन के जवाब में पाकिस्तान 122 रन बनाने में कामयाब रहा और 10 रन से पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक मौके पर पाकिस्तान की विमेंस टीम के 21 रन में 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन ऑलराउंडर आलिया ने जो है वो 50 रन की निफ्ट सेंचुरी की स्कोर की उन्होंने, इसके अलावा 37 रन बनाए फातिमा सना ने, लेकिन 10 रन के मार्जिन से शिकस्त पाकिस्तान का मुकद्दर ठहरी है। आसिफ, ये बार बार बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान की जो विमेंस टीम है अब बेहतरी आएगी और कौम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन नतीजा हम देख रहे हैं विमेंस टीम में हमें हमेशा यही आता है। देखिए, ये मैच शुरू हुआ, टॉस पे मैं सना मीर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पिच काफी अच्छी है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, विच इज़ आइडियल फॉर क्रिकेट, मौसम भी अच्छा है, हवा भी चल रही है, तो बॉलिंग करनी चाहिए पहले, किसना मीर ने कहा। तो पाकिस्तान ने बॉलिंग ही की, लेकिन उसके बावजूद भी जो टॉप ऑर्डर है पाकिस्तान का वो नाकाम हुआ, 3 या 4 विकेट्स पाकिस्तान की जल्दी गिर गए थे, मुनीबा अली हो 21 पे 4 और या सिदर अमीन हो, तो ये सारी बैटर्स जिनसे उम्मीद थी वो सब मतलब रेत की दीवार की तरह ढह गई थी, तो वहाँ से प्रेशर पड़ा। आलिया रियाज अच्छा खेली, आलिया रियाज ने गालिबन बॉलिंग नहीं कर रही वो काफ़ी अरसे से, तो आपने कहा ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर कैटेगरी से अब आलिया रियाज निकल चुकी हैं, मुझे ऐसा लगता है क्या वजह है कि बॉलिंग नहीं कर रही, या फिटनेस का कोई इशू है, लेकिन आज का स्कोर कार्ड मैंने मुझे याद नहीं है कि उन्होंने बॉलिंग की थी या नहीं वो दीगर, लेकिन आलिया ने कोशिश की, लेकिन टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का नाकाम रहा, इतना बड़ा स्कोर नहीं था, बिल्कुल वही पाकिस्तान को मिला कि पहले पाकिस्तान को बॉलिंग का मौका मिला, जैसे सना मीर ने कहा था, बड़ा नाम है सना मीर विमेन क्रिकेट का दुनिया में, तो अगर उन्होंने कहा था तो मैं भी उनकी बात को बिल्कुल वैसे ही लूँगा, क्योंकि मैं क्रिकेट एक्सपर्ट एज सच टेक्निकल एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, तो उस हवाले से पाकिस्तान ने मौका जाया कि टॉप ऑर्डर को पाकिस्तान के ब्लेम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस तरह ये मोहम्मद वसीम बार बार दावे करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से, आपको याद होगा एक मैच हम जीते थे वहाँ पे नेपाल में, और ये इंडिया को हराने की बात करने लगे थे, तो ये बार बार जो कौम को जो आई वॉश किया जाता है, बार बार कौम को एक आसरा दिलासा दिया जाता है, ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज़ को क्यों नहीं मान लेते हमारी विमेंस क्रिकेट जो है वो बेहतर हो नहीं सकती? ये ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि विमेन क्रिकेटर्स को इस कैम्प के जो उन्होंने इस सीरीज़ के लिए लगाया था उसके पैसे नहीं मिले, डेली अलाउंस नहीं दिया पीसीबी ने। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इससे पहले जब एशिया कप खेलने गई थी पाकिस्तान की विमेन टीम, उस पर भी डेली अलाउंस उनको नहीं दिया गया था, जो कराची के हनी मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर लगा था। उस वक्त मैंने पीसीबी के जो मैनेजर थे, मीडिया मैनेजर, उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हम इनको खाना दे रहे हैं 3 टाइम का, और हम सब कुछ दे रहे हैं इनको, तो उस पर एतराज़ पाकिस्तान की एक प्लेयर ने किया था, इसका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कोई मेरी दोस्त आ जाती है तो उसको कॉफ़ी भी मैं नहीं पिला सकती क्या, तो इसलिए होता है डेली अलाउंस, इसलिए होते हैं ये सारे के सारे मसाइल ना हो, लड़कियों को जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे पाकिस्तान की। आप समझते हैं कि अगर डेली अलाउंस मिल जाएगा तो पाकिस्तान की टीम जीतने लगेगी? वो मुझे नहीं पता, अगर परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो आपका टॉप ऑर्डर मैंने बताया ना, 3 लड़कियां आज फेल हुई, वो नहीं कर सकी, अगर वो कर लेती तो इतना बड़ा स्कोर नहीं था पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने ये भी तो देखिए ना, बॉलिंग करते हुए एक मुनासिब स्कोर पे साउथ अफ्रीका को रोक लिया था, तो उसके बाद बैटर्स की जिम्मेदारी थी कि वो करें, तो लेकिन मैंने आपको जो बात बताई आज कल के अखबारों में भी छपी थी उससे पहले, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पिछली सीरीज से
डेली अलाउंस का सिलसिला, क्योंकि डेली अलाउंस अभी जो वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप हो रही थी उसके अंदर भी डेली अलाउंस नहीं मिला था। मैंने अपने शो में कहा था कि जब आप मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं तो वीमेंस अंडर 19 जो चैंपियनशिप पे खेली जा रही है लाहौर के अंदर उसमें आप क्यों दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक अपनी जगह है। लेकिन दूसरी तरफ परफॉर्मेंस में जो डिक्लाइन आ रहा है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि मोहम्मद वसीम को इस तरह पैराशूट के जरिए जो है वो एक नवाजा गया, उनको एक हेड कोच की सीट दी गई, इससे पहले वो विमेंस टीम में काम नहीं कर रहे थे, जो लोग विमेंस टीम में काम कर रहे थे उनको साइड में किया गया और मोहम्मद वसीम को पैराशूट से विमेंस टीम में उतारा गया। फिर वो बाबर आजम पे तो तनकीद करते हैं कि वो स्टब बोन है, वो जिद्दी बच्चे हैं, वो जो तब्दीली को जो सुनना नहीं चाहते, तब्दीली चाहते नहीं है। अपनी टीम का हाल इतना बुरा है कि आप जीत के दे ही नहीं रहे। ये असल में सवाल करने वाले से पूछना चाहिए कि उनसे क्या पड़ी थी भाई वसीम का, वसीम मोहम्मद वसीम से आप ये सवाल करें कि बाबर आजम की कप्तानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि जब तक आप नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे ना, तब तक आप किसी को पिंच नहीं करेंगे ना, वो चीखेगा नहीं, वो आपकी तरफ मुतवज्जो नहीं होगा। सही। तो ये वसीम की देखिए टेक्निक, उसकी जो खामियां होंगी वो होंगी, वो किस तरह से लड़कियों को रखते हैं, किस तरह से उनको मतलब समझाते हैं चीज़ें, वो बात दीगर है। लेकिन एक लड़की के हाथ में बैट तो है, मुनीबा अली के हाथ में बल्ला है, वो ओपन करती हैं, सिदरा अमीन भी टॉप ऑर्डर बैटर हैं और भी टॉप ऑर्डर बैटर हैं, अगर उन्होंने रन नहीं किए तो पहला सवाल तो उनसे होगा, उसके बाद फिर आप उनके ऊपर आइए। लेकिन आप नहीं समझते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने कभी विमेंस टीम की कोचिंग नहीं की और जो लोग शुरू से विमेंस टीम को लेके चल रहे हैं उनको आप अचानक से हटा देते हैं और पैराशूट से किसी की पसंद नापसंद या किसी की जान पहचान के जरिए जो है या किसी लॉबिंग के जरिए आप लागे पैराशूटर को बिठा देते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितने होते हैं आपके ख्याल में मेरिट पे नहीं, कुछ तो है, कुछ तो नहीं भी है, नहीं कुछ ज्यादातर मेरिट पे हैं, नहीं है तो अब मोहम्मद वसीम भी मेरिट पे नहीं है, मतलब मैं ऐसा ब्रेकिंग चला दूंगा, आसिफ खान कहते हैं मोहम्मद वसीम मेरिट पे नहीं है, हो सकता है ना हो, लेकिन वो काबिल तो है, लेवल 3 कोच तो हैं वो और कोचिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत है उनको, पाकिस्तान की टीम के सिलेक्टर के अलावा पीटीवी की कोचिंग उन्होंने की, उसके अलावा बाहर एक इस मुल्क में आसिफ भाई दुल्हन वही है जो पियामन भाई, कोचिंग का आपने जिक्र किया, मैं कोचिंग का भी बता देता हूँ, एक एक एपिसोड अभी देता हूँ और एक ब्रेक के आने के बाद दूंगा। के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर आपका किसी के क्लब के प्लेयर हैं तो आपको तकरीबन कोई 6 महीने तक जो है वो बगैर कोई कोचिंग कोर्स किए सिंध की टीम के साथ रखा जा सकता है, उसके बाद आपको मार्च में आपको लेवल 1 कराया जाता है, लेवल 1 का जो रिजल्ट आता नहीं है फौरन आपको लेवल 2 करा के जो है किसी और जगह का हेड कोच बना दिया जाता है और फिर जनवरी से जो मार्च से आपने जो लेवल 1 किया है फिर जनवरी से जो है वो आपको जो है वो सैलरी दी जाती है क्योंकि वो आपके क्लब के प्लेयर हैं और इस वक्त आपके क्लब के लोग जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत अच्छी पोजिशन पे मौजूद हैं। ये है पाकिस्तान क्रिकेट और एक और क्या हुआ है फंडा ये मैं बताऊंगा जब ब्रेक से वापस आएंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जो फैसलाबाद में एक टूर्नामेंट खेला जा रहा है क्योंकि फैसलाबाद का फजूल टूर्नामेंट में इसलिए कहता हूं कि आप इंग्लैंड की टीम के खिलाफ तैयारियां करने जा रहे हैं और इंग्लैंड के खिलाफ आप टेस्ट मैच खेलेंगे और तैयारियां आप कर रहे हैं वनडे टूर्नामेंट से और इंग्लैंड के जो बाउंसी बॉलर हैं जो पेस बॉलर हैं उनकी तैयारियां आप कर रहे हैं फैसलाबाद की इस डेड विकेट पे जिसके बारे में डेनिस लिली ने कहा था कि मुझे इसमें दफन कर दो शायद इस पिच पे कोई जान आ जाए, इसलिए मेरे लिहाज से टूर्नामेंट जो है वो फजूल है। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप अब्दुल हसीब को आप रिजवान की टीम में रख देते हैं जब उसको एक मैच खेलने का मौका नहीं मिला और उसको भी वापस भी भेज दिया गया, फिर बिस्मिल्लाह खान को खेलने का मौका आप नहीं दे रहे हैं, तो क्या इस टूर्नामेंट में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में केपी की और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है या नहीं है, क्योंकि ना आप सिलेक्टर वहाँ से लेते हैं ना मेंटोर वहाँ से लेते हैं तो फिर आप एक ही इलाके की टीम मेरे ख्याल में बना के उसको खेलना चाहते हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है तो अभी मैं आपको बता दूँ कि हुआ क्या कि जनाब गुजरावाला के जो कोच थे फैसल खान जो तकरीबन 1.5 महीने से गुजरावाला की टीम को कोच कर रहे थे, मैच शुरू होता है इंटर डिस्ट्रिक्ट का अगेंस्ट सियालकोट, फैसल खान गुजरावाला के कोच हैं वर्सेस खेल रहे सियालकोट, अगले दिन जो है हुक्मे शाही आता है और वो सियालकोट के कोच बन जाते हैं और शाहिद यूसुफ जो रीजनल के कोच होते हैं सियालकोट के वो आके जो है वो गुजरावाला के कोच बन जाते हैं और जो सियालकोट के कोच होते हैं उनको उठा के जो है वो कहीं और भेज दिया जाता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में पहली मर्तबा इस तरह नहीं हुआ, कई मर्तबा ऐसा हो चुका है, इसीलिए शायद हमें सर्जरी की और पोस्टमार्टम की जरूरत है कि एक दिन के बाद एक टीम का कोच जो दूसरी टीम से मैच खिला रहा है वो दूसरी टीम का बनकर पहली टीम के खिलाफ मैच खिलाने शुरू हो गया। यह है पाकिस्तान की क्रिकेट। आसिफ भाई फिर आप कहते हैं फजूल नहीं कहो यार, ये तो मैं सुन के मुझे शर्म आ रही है। दुनिया में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता फिर? लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इससे पहले भी हो चुका है कि सांगड़ भेज दिया किसी को कोयटा भेज दिया किसी को, ट्रेन में और सफर ट्रेन में करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा
नहीं सर, एक दिन आप एक मैच खिला रहे हैं, डेढ़ महीने से आप एक टीम के साथ हैं फैसल खान, अगले दिन कहते हैं नहीं आप जो हैं जिस टीम के खिलाफ मैच खेल रहे हैं उसके कोच आप हैं, और जिस टीम के खिलाफ आप डेढ़ महीने से तैयारी कर रहे हैं उसके खिलाफ आप टीम लड़ा रहे हैं, ये कौन से क्रिकेट है? और ये मैं जुनेद नियाज़ी साहब से भी पूछना चाहता हूं अपने प्रोग्राम के तवज्जुद से, और ये सबसे पूछना चाहता हूं कौन से क्रिकेट आप खिला रहे हैं? मतलब जुनेद ज़िया से पूछना चाहते हैं और नियाज़ी साहब से? नियाज़ी से भी पूछना, नियाज़ी से और जुनेद ज़िया से, दोनों से, दोनों से पूछे ना। नदीम खान साहब के पास तो ये शायद पावर अप नहीं है, वो तो अकेडमी के कोच है, लेकिन आसिफ इसमें क्रिकेट कैसे बेहतर होगी फिर? ये बिल्कुल बेहतर नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हर चेयरमैन आकर एक अपने लिए एक तमगा तैयार करता है। नजम शेट्टी साहब ने पीएसएल करवा दी, इससे पहले कोशिश पीएसएल कराने की 2012 में जका अशरफ साहब ने की थी, उसके बाद रमीज राजा साहब आए उन्होंने जूनियर लीग करा दी, फिर ये मोहसिन नकवी साहब अब आए तो इन्होंने ये टूर्नामेंट कराया। फजूल आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे एतराज़ है इस पर, खैर ये ठीक है आपकी आपकी राय है, लेकिन ये टूर्नामेंट उस वक्त अच्छा लगता कि नीचे के लड़के भी किसी सिस्टम के तहत अब्दुल हसीब को ना खिलाने की क्या वजह है, बिस्मिल्लाह खान को ना खेलने की क्या, कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि रिजवान की टीम में आपने अब्दुल हसीब, इसको आपको फ्यूचर कह रहे हैं, उसको आपने रख दिया, तो ये तो मेंटोर बताएगा ना टीम का, या हेड कोच बताएगा, हेड कोच और मेंटोर इन्होंने तो ये लड़के पिक किए हैं और इन्होंने ही कॉम्पोजिशन बनाया है। अब मेंटोर भी कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ आए हुए टीम के साथ लगे हुए, तो वो किस तरह से मेंटोर, एक तो मेंटोर का जो लफ्ज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, मैं इसको समझता हूँ कि ये धोखा है, ठीक, बहुत बड़ा धोखा है। मेंटोर क्या है आप भाई, किस बात के मेंटोर? सही, मेंटोर होता है विव रिचर्ड जैसा आदमी, मेंटोर होगा पाकिस्तान में जावेद मेदाज जैसा आदमी, यूनुस खान जैसा आदमी, जहीर अब्बास जैसा आदमी, शोएब अख्तर है, शाहिद अफरीदी हैं, यूनुस खान है, जिससे कुछ किया, मोइन खान है, राशिद लतीफ है, ये मेंटोर, वसीम अकरम है, ये मेंटोर बन सकते हैं। अब जिसको आप मेंटोर बना रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता क्रिकेट छोड़ने के बाद ये क्रिकेट खेलते उन्होंने क्या किया, फिर अगर सब लोगों ने वही मेंटोरशिप से अगर सीखा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। तनवीर अहमद ये कहते हैं कि जनाब अगर बाबर आजम नहीं होते तो शायद क्राउड नहीं आता इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। बाबर आजम देखें, क्राउड तो फैसलाबाद का इसी तरह से आता है, वो मिजाज क्राउड का, यहाँ पर इलाके के मिजाज के हिसाब से क्राउड, यकीनन क्रिकेट फैसलाबाद को मिलती कितनी है, कितनी क्रिकेट वहाँ हुई, आखिरी टेस्ट मैच कहाँ हुआ है, कब हुआ है फैसलाबाद में, आखिरी इंटरनेशनल मैच कब हुआ है फैसलाबाद में, तो क्रिकेट कम मिलती है, छोटा शहर है, तो आवाम का आना अच्छी बात है, लेकिन इसकी कोई वजह ये नहीं है कि बाबर आजम क्रिकेट उनको मिल रही है, उनको तफरी मिल रही है, उनको आउटिंग मिल रही है, इसलिए आवाम और हमने और आपने कवर किए फैसलाबाद के लोग क्रिकेट के फैनेटिक फैन हैं, क्रिकेट के जुनून हैं और ग्राउंड में आके देखना चाहते हैं, फैसलाबाद के लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं चाहे बाबर आजम खेलें या ना खेलें, शायद इतना ही वहाँ पर जो क्राउड होता। लेकिन दूसरी तरफ यूनुस खान ने भी कहा है आसिफ के अगर जो है वो विराट ने कप्तानी छोड़ के उनका खेल काफ़ी बेहतर हुआ, अगर बाबर आजम भी कप्तानी के पीछे ना भागें तो उनकी बैटिंग में भी काफ़ी सुधार पैदा होगा। यूनुस खान ने कही है ना ये बात, तो यूनुस खान के बाद तो मेरा तो कहना बनता ही नहीं है ना, यूनुस भाई तो यहाँ हैं और मैं कहीं नीचे हूँ उनके क्रिकेटिंग टर्म। यूनुस खान की बात आसिफ खान से पूछ लेना। नहीं, देखें यूनुस भाई या जो भी क्रिकेट खेला हुआ है उसकी बराबरी तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, बाबर आजम ने कप्तानी लेकर बहुत बड़ी गलती की। बाबर आजम ने जो कप्तानी अब दोबारा वसूल की है, उनको कप्तान बनाने के पीछे हाथ किसका था, उनको कप्तानी पर राजी करने वाला कौन था, उनको क्या ऐसा लालच दिया गया या क्या ऐसा बाग दिखाया गया है जो सब था उस वक्त, ठीक है, लेकिन अब जरा पीला पीला हो गया। तो ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो लोग जिनके हाथ में डोरे हैं ना, जिस तरह आपने अभी बात की थी केपी के लड़कों की, केपी के लड़के मुझे ऐसा लग रहा है टीम से खत्म किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम से, पता नहीं ऐसा लगता है। अब एक बासितरी साहब हैं जो रिजवान के हक में हैं अभी तक, रिजवान को ये अच्छा जानते हैं, SNGPL के कोच भी रहे हैं, SNGPL से ही रिजवान भी खेले, रिजवान को वो इसलिए शायद बैक करते हो कि वो बेहतर जानते हैं, लेकिन केपी के लड़कों की मुझे ऐसा लग रहा है कि कमी ऐसी हो जाएगी पाकिस्तान टीम। ठीक है, हम यूनुस खान की बात कर रहे हैं और यूनुस खान ने कहा क्या था, उन्होंने कहा था कि सब्जी वाले को भी पता है कि जनाब किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, यूनुस खान ने क्या कहा था आइए जरा सुनते हैं। जो एक बात मैंने देखी है, वो टमाटर वाले के पास जाता हूँ उसको पता है कि कौन सा प्लेयर होना चाहिए टीम में, कौन से मैनेजमेंट होने चाहिए, कौन सा कोच होना चाहिए, उनको ये समझ में आ रही है कि कौन सा कोच होना चाहिए, किसको कैप्टन होना चाहिए, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर खेलना चाहिए। अगर पता नहीं तो हमें नहीं पता वहाँ बैठ के। जहाँ नकवी साहब की बात है, देखो कोशिश वो ज़रूर करें क्योंकि मैं खुद उनके साथ रहा पिछले 1-2-3 महीने में, बहुत क्लोज रहा। जब बहुत सारे बादशाहों का जो वो फेल होते हैं या फॉल होते हैं उनका, तो उनके आजू बाजू लोग थोड़ा सा उनके साथ
कुछ ना कुछ जो है ना वो काम करते थे, तो उनको भी ये समझना चाहिए। तो सबसे बेस्ट प्लेयर थे और सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, तो वो जो है ना उन्होंने उस वक्त यही सोचा, उस वक्त चेयरमैन ने, मैं भी मेरे सामने ये फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है उसको टीम का कैप्टन होना चाहिए। तो बस बात दरअसल में ये कि आज अगर बाबर आजम या जितने भी बाकी टॉप के प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करें तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। जी जनाब, ने यूनुस खान को सुना और आपने सुना कि यूनुस खान साहब ने द ग्रेट द लेजेंड यूनुस खान ने क्या कहा। आसिफ, आपने आवाज़ उठाई कमेंट्री के हवाले से, जो कमेंट्री वहाँ पे चल रही है, चूँकि मैं खुद कमेंटेटर हूँ इसलिए मेरा इतना बोलना बनता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में 62.8% जो है लिटरेसी रेट है। पाकिस्तान की 60 मिलियन लोग जो हैं वो जो है वो लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अनपढ़ अगर आप उनको कैटेगरी में लें तो अनपढ़ हैं 60 मिलियन लोग। खिलाड़ी खुद इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरा टूर्नामेंट इंग्लिश में कवर हो रहा है और जिस किस्म की इंग्लिश बोली जा रही है अच्छा ही है कि खिलाड़ी इंग्लिश नहीं समझते। जी ये मैं तो इसका इतराज़ किया मैंने इस पर कि उर्दू कॉमेंट्री होनी चाहिए। उर्दू बहसियत पाकिस्तान की कौमी जबान तो है, लेकिन इंडिया को अगर आप देखते हैं तो इंडिया में तो रीजनल लैंग्वेज में कॉमेंट्री हो रही है, उनके यहाँ तो पंजाबी में कॉमेंट्री होती है। और ये सलमान भट्ट जो इस कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा है, इन्होंने जो अपना टूर्नामेंट कराया था अपने क्लब का, अपनी टीम का, उसने पंजाबी कॉमेंट्री भी रखी थी और बड़े अच्छा उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला, बहुत जबरदस्त। पंजाबी में कॉमेंट्री होनी चाहिए, पश्तो में होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश कमेंट्री करते हैं, अगर मेरा सवाल ये, अगर आप इंग्लिश कमेंट्री करते भी हैं तो फिर चिश्ती मुजाहिद इफ्तिखार अहमद जैसे लोग जो इंग्लिश को वाकई जो सोचते भी इंग्लिश में है और बोलते भी इंग्लिश में, उनको लें। ऐसे लोगों को आप क्यों ले रहे हैं इंग्लिश कमेंट्री के अंदर जो सोचते उर्दू में और उसको ट्रांसलेट बमुश्किल तमाम इंग्लिश में करके वो मेरे तो ऐसे भी कमेंटेटर देखे, मैं कमेंट्री बॉक्स का हिस्सा रहा हूं, जो घर से जुमले लिख के लाते थे, रजिस्टर से देख देख के जुमले जो है वो बोला करते थे, आज वो इंग्लिश कमेंटेटर बने हुए हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान क्रिकेट में और फिर पाकिस्तान क्रिकेट पीछे क्यों जा रही है, लेकिन हमने कमेंट्री की बात की है। जाते से पहले एक जरा मुझे बता दिएगा कि जो सचिन तेंदुलकर से और मोइन खान ने अपील की है शाहरुख गंगोल से कि वो अपना रोल प्ले करें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। देखिए किसी सियासतदान से अपील करें आप, क्योंकि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड अकेला ये फैसला नहीं करता कि पाकिस्तान टीम भेजनी है कि नहीं भेजनी, और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड भी अकेले फैसला नहीं करता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आईन में मौजूद है कि हमें हुकूमती मदद की जरूरत पड़ती है, और ये भारतीय आईन में भी होगा, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय टीम आ गई हो पाकिस्तान बगैर हुकूमती इजाज़त के, और इस तरह से दूसरी जानिब से भी ऐसा नहीं हुआ। तो जब तक हुकूमत भारत इजाज़त नहीं देगी तब तक चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम नहीं आएगी। और मेरी इतला के मुताबिक श्रीलंका वो एक न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर वो देख रहे हैं, श्रीलंका या दुबई। जब ये वक्त आएगा करीब तो बात वाजे हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच आसिफ खान साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आसिफ खान जो हमारे शो को उन्होंने इज्जत बख्शी अपनी आमद से, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेकिन साथ साथ आपको पता है क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी कवर करते हैं। उर्दू कमेंट्री तो आपको फैसलाबाद में सुनने को नहीं मिल रही, लेकिन कबड्डी टूर्नामेंट जो है वो खेला गया और इस हवाले से इमरान लतीफ की एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। लाहौर में सजा कबड्डी का पंडाल, खिलाड़ियों ने लगाए धोबी पटका, बगल डोर गिला ढाक के वार, शायकीन भी कबड्डी पहलवानों के दाव पेच से खूब महसूस हुए। पाकिस्तानी कबड्डी टीम के कप्तान माना जट और इरफान मियो ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जबकि आदिल विर्क रहमान, बिजली निसार भट्टी और नैन सिंधु जैसे नामवर खिलाड़ियों ने भी मैदान में अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए। खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कबड्डी जैसे खेल को हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है ताकि बैन अल-अक़वामी सतह पर मजीद कामयाबियां समेटी जा सकें। आज का जो भी मैच होया बहुत ही अच्छा, इंतजाम बहुत अच्छा ही, अरेंज इन्हों का बहुत ही कमाल थी कमेटी का, और असं इन्हों मुबारकबाद पेश करने कि इन्हों का अरेंज बहुत अच्छा थी और ग्राउंड ग्राउंड बहुत अच्छी थी और इन्होंने अरेंज बहुत अच्छा किया और पवन बहुत अच्छा किया प्लेयरों का। मैच के इख्तिताम पर जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम से भी नवाजा गया। कैमरामैन वकास भट्टी के साथ इमरान लतीफ, जीटीवी न्यूज़ लाहौर। जनाब, हमने इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखी कबड्डी के हवाले से, और हम ग्रास रूट पे और ग्राउंड पे जाके भी जो है वो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, यही वजह है कि आपने कबड्डी की रिपोर्ट देखी। और कल का जो हमारा शो होगा जो ये बड़ा स्पेशल शो होगा, क्योंकि उसमें हमने ग्राउंड पे जाके क्रिकेट को कवर किया और वो एक ऐसा ग्राउंड जो स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड बनने जा रहा है कराची में, नॉर्थ कराची यूपी में, उसको हमने कवर किया, जहाँ पर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ कल के शो में मेहमान होंगे, और उनसे हमने ना सिर्फ जो है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बातें की है, कराची क्रिकेट के हवाले से बात की, और बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल
बातें की हैं राशिद लतीफ़ साहब से जो आपने शायद इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। यकीनी तौर पर हमारी कल की कोशिश और काविश आपको पसंद आएगी। राशिद लतीफ़ साहब जो कोशिश है काविशें कर रहे हैं ग्राउंड के वाले से कराची में क्रिकेट को बहाल करने के वाले से, यकीनी तौर पर इन काविशों को से आपको आगाही हासिल होगी। तो कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।